ये आजकल वाली अंग्रेजी नाम नहीं थी उस वक्त। जी जी बिल्कुल। फिर तो सबूफ का हमारे आज बड़ा चर्चा था, जब जिक्र होते थे तो बड़ी बड़ी बहसें होती थी, वो सारी मेरे जहन में के इसलिए ये तमाम इस्तलाहात चाहे वो अदब से हो, समाज से हो या समाज से। तो जी साउंड क्वालिटी इसकी बिल्कुल जबरदस्त। और हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में। तो आज हम आपके लेके आए जी फिलिप्स कंपनी का रेडियो, मॉडल नेम है जी फ्लिटीना। तो ये एक फिलिप्स का रेडियो आया करता था और जो इसकी साउंड क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, देख लीजिए बिल्कुल मिंट कंडीशन में हमारे पास ये रेडियो है, बिल्कुल चकाचक कंडीशन में। ये आता था मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, केवल दो बैंड आपको इस पर मिला करते थे और चार सेल वाला रेडियो आया करता था ये, ठीक है। और काफ़ी अपने ज़माने में सेल हुआ करता था ये रेडियो, ठीक है। और कंडीशन देखिए क्या ज़बरदस्त कंडीशन में आया। और आपसे तो जितने देख रहे हो गए किस किस के पास ये रेडियो था पहले, वो ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि किस किस ने ये मॉडल यूज़ कर रखा है, ठीक है। क्योंकि अब इन रेडियो से बंदा अपनी यादें ताज़ा करता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये काफ़ी बिकते हैं। और बाकी जो लोकल स्टेशंस लोगों के आते हैं, जैसे अदर अदर स्टेट के लोकल स्टेशंस होते हैं जैसे मीडियम वेव शॉर्ट वेव में, तो वो सब आप अभी भी इनमें सुन सकते हैं, ठीक है। और साउंड क्वालिटी तो इनकी बहुत ही बेहतरीन रहती है, जैसे आजकल के जो रेडियो आ रहे हैं उनमें इतनी जान नहीं है जो इसका मुकाबला कर लें, ठीक है। मतलब पुराने रेडियो बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी निकालते थे और जो आजकल जो रेडियो आ रही है बहुत इनके मुकाबले पे बहुत कम है इनकी साउंड क्वालिटी। और इनकी साउंड क्वालिटी जैसे ये जो फ्लिटीना जो पहले ये रेडियो बनाता बहुत ही शानदार साउंड क्वालिटी के साथ गया जाता था, बहुत ढांसू आवाज़ है, ठीक है। और अब इसके सेल की बात करें तो ये चार सेल लगा के आप इसे चला सकते हो जी, ठीक है। मोटे वाले चार सेल लगते हैं जी इसमें और बहुत साउंड क्वालिटी अच्छी है। और जो इसके स्पीकर लगा पड़ा है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने फ्लिप्स वालों ने लगाया था, ये जो इतनी तगड़ी साउंड क्वालिटी निकालता है ये, ठीक है। और देख लीजिए इतना पुराना होने के बावजूद भी क्या ज़बरदस्त कंडीशन में हमारे पास ये मॉडल आया है जी, और फॉर सेल के लिए है ये, ठीक है। कई सारे बंदे कहते हैं कि भाई साहब सेल करोगे, तो भाई साहब जितना भी सामान डालते हैं हम फॉर सेल के लिए डालते हैं। ये देखो जी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव, ये बैंड स्विच है जी इसका, ये है जी फिलिप्स का फ्लिटीना। तो आपको दिखाया जी क्या रेडियो था ये, बिल्कुल ज़बरदस्त। और अभी आपको चला के दिखाए गए ये मॉडल, और चार सेल हमने लगा रखे हैं इस पर, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ऑन यहीं से ऑन हो जाएगा, ठीक है। यही ऑफ है और यही होना है। आज के दौर में लाए होती जा रही हैं, मेरे ये घुट्टी में पड़ी हुई हैं सर वो सारी जबान, जैसे आप दिल्ली की टकसाली जबान भी कह सकते हैं क्योंकि आगरा और दिल्ली का बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। और कुछ थोड़ी ऐसी फर्क के साथ तकरीबन एक ही जबान बोली जाती है, तो वहीं से कहानियाँ लिखनी शुरू की और अरसा दराज तक कहानियाँ लिखती रही। और उसके बाद फिर जब मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए PhD के लिए दरख्वास्त दी तो मुझे नज़ीर अकबर आबादी की कुल्लियात की फरहंग का काम सौंपा गया जी। यहाँ से मेरी दिलचस्पी लिसानियात में शुरू हुई। नज़ीर अकबर आबादी को अपने ज़माने में मकबूलियत मिली, लेकिन कहा जाता है कि उनके साथ वो इंसाफ न तो उस ज़माने में हुआ न उनके बाद हुआ। आपने उन पर काम करते हुए उनकी शायरी के हवाले से बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, देखी और समझी होंगी, तो अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में, आज के तनाजुर में देखें तो नज़्म की शायरी में हम नज़ीर को किस तरह एक मीनारे नूर। ठीक है जी, तो मैंने अभी आपको इस पर सुनाया मीडियम वेव, क्या क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वालिटी है, ठीक है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इस मॉडल की। और अब आपको इस पे चला के दिखाते हैं हम, एक मिनट, ये शॉर्ट वेव इस साइड है, ठीक है। तो शॉर्ट वेव में मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया गैस, और अब आपको इस पे शॉर्ट वेव चलाते हैं। तो पीछे ही आता है शॉर्ट वेव बिल्कुल, shifting of the pendulum over the years between the division of the tax income with regard to central government to local government and ठीक है जी। तो
तो दिल्ली में तो ऐसे ही स्टेशन आता है, और बाकी तो बाकी आप कहीं खुले इलाके में भी आप इसे चलाओगे तो काफ़ी सारे स्टेशन ये पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे रात वगैरह के टाइम में आप शॉर्ट वेव चलाओ, अभी तो दोपहर हो रही है तो दोपहर को मैं वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बिल्कुल शांति से रिव्यू मिल जाए, ठीक है। मतलब शोर शराबा थोड़ा कम रहता है, ठीक है, और हम वीडियो बनाते हैं। और वैसे तो मैं सारे कमरे वमरे में गेट बंद करके वीडियो बनाता हूँ जिससे सिग्नल का थोड़ा आपको कमी मिलता है, रेडियो में सिग्नल थोड़ा। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल बंद शांत माहौल में वीडियो बनाते हैं हम आपके लिए, और जिससे साउंड क्वालिटी आपको पूरे अच्छे तरीके से पता लगती है कि एक रेडियो की क्या साउंड क्वालिटी है इसकी, और बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी है इस फिलिप्स फुली एंटेना की। जैसे आवाज़ इसकी हैवी है, मतलब 4 सेल वाला एक तो, और इस कारण भी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और मीडियम वेव में तो बिल्कुल ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, और बाकी इस पर स्पीकर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा होगा जिस कारण इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया आ रही है, ठीक है। तो ये बनाते थे पहले फिलिप्स वाले ओल्ड रेडियो, जो इतनी शानदार साउंड क्वालिटी है, ठीक है। जैसे जैसे आप ओल्ड रेडियो, जैसे जापानी रेडियो है वो, उनकी भी बहुत तगड़ी साउंड क्वालिटी है। जैसे आपको कोई भी ओल्ड रेडियो परचेज़ करना हो तो आप फिर से संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड रेडियोज और टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर्स, एम्पलीफायर, स्पीकर्स, ऐसा सब हम सेल करते हैं। तो किसी को भी कुछ परचेज़ करने हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सअप ही हम आपको इमेजेस सेंड कर देते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9310741161। तो इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप इसे परचेज़ कर सकते हो जी। और इस रेडियो का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ जी। तो ये रेडियो मिलेगा जी आपको मात्र 2000 रुपये का, 2000 रुपीज़ इसका प्राइस है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9310741161। तो इसी पर व्हाट्सअप है, इसी पर कॉलिंग नंबर है, ठीक है। और ऐसे ही क्या है इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने YouTube चैनल स्पीकर बाबा में आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो ऐसी सब वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्पीकर बाबा को सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्तों में हमारी वीडियोस को शेयर करते रह करें, फुल सपोर्ट दिखाएं। और मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।